हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ओवरलॉक दो धागा से किस तरह होता है। सबसे पहले हम तीन धागा से करके दिखाते हैं। अधिकतर लोग तीन धागा से करते हैं। हम एक धागा को किस तरह बचा सकते हैं, अब देख सकते हैं ये तीन धागा लगा हुआ है। देखिए तीन धागा से कितना बेहतरीन ओवरलॉक हो रहा है, देख सकते हैं अंदर बाहर। ये तीन धागा का काम है। अब धागा भी देख सकते हैं, ये तीन धागा है, एक दो तीन। अब इसको हम एक धागा को हटा देते हैं। सबसे पहले इसको पूरा कर लेते हैं। अब इसको हम दो धागा से करेंगे। एक धागा को सबसे पहले हटाएंगे, ये देख एक धागा हटा दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये वाला खत्म होगा ओवरलॉक नहीं होगा। पूरा लाइफ है, देख सकते हैं खत्म हो गया। अब देखो ओवरलॉक नहीं हो रहा है। एक धागा भी निकाल दिया है मैंने। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब दो धागा से ओवरलॉक करके हम दिखाएंगे। इसी में सबसे पहले धागा लेना है, इस तरह चार को करना है। देख देख सकते हैं गिन के चार को है। अब चारों को बांध देना है गिट्ठा से। कहाँ बांधना है, और एक नीचे तरफ है एक बाहर तरफ है। तीन सुई है, तीनों सुई में ये जो मेन सुई है बाहर जो निकलती देख सकते हैं घुस गया है। अब इसको इस तरह का गिट्ठा मारना है। एक गिट्ठा हो गया है, दो गिट्ठा हो गया है, तीन हो गया है, चार हो गया है, चार गिट्ठा हो गया है, और एक गिट्ठा मार देते हैं, काट देते हैं। देख सकते हैं हो गया। अब इसको हम ओवरलॉक इसी में करके दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ नीचे उतर गया है। हम देख सकते हैं सेम एकदम ओवरलॉक हो गया। इस तरह इधर हम जिस तरह किए उस तरह हो गया। हम मिला सकते हैं और थोड़ा चला के हम दिखा रहे हैं। ये पेंट ओवरलॉक कर रहे हैं, हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा ज्यादा चढ़ गया है, फिर दिक्कत नहीं है। हम मिलाते हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यही है, से एक धागा यहाँ पर चला हुआ है, ये धागा सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ओवरलॉक में। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं। ये आज का टॉपिक था, और इसी तरह मजेदार मतलब वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे।